बच्चों यूनिट स्टार्ट लेते हैं पार्ट वन केमिस्ट्री से और बेसिक केमिस्ट्री का स्टार्ट ले रहे हैं यहां से एंड यूनिट नेम इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। स्टार्टिंग चैप्टर है और ये आपके प्रीवियस क्लास के केमिस्ट्री स्टडी को रिव्यू करता है, यानी एक तरह से जो पढ़ करके आए हैं आप नाइन्थ स्टैंडर्ड से केमिस्ट्री को, उसका एक रिव्यू लेता है और कुछ नई नई चीजें और भी हैं जो कॉन्सेप्ट के रूप में यहां पर आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो सबसे पहले समरी जान लेते हैं इस चैप्टर की और देन फिर टॉपिक में आते हैं। बच्चों प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि साइंस क्या है और जान पाए थे कि किसी विषय वस्तु का सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है और इसका स्टेप्स लिया था हम लोगों ने जिन्हें साइंस ऑफ स्टेप्स कहते हैं, जिसमें से आपकी प्रॉब्लम है, ऑब्जर्वेशन करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट से आपको थेसिस मिलेगी, रिजल्ट्स होंगे और इस तरह का ये जो स्टेप्स है ये आपका वैज्ञानिक विधियों के चरणों में आता है। तो साइंस का स्टडी है इन स्टेप्स के माध्यम से हम लोग करते हैं। फिर क्लासिफिकेशन में जाएं तो 3 टाइप्स हैं, बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये साइंस की कैटेगरी है और अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ केमिस्ट्री का होगा और केमिस्ट्री के 5 टाइप्स हैं जिनको हम लोग बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, केवल यहाँ एक रिव्यू ले रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये टोटल कंटेंट बच्चों आपके इन्हीं पार्ट्स पर बेस्ड हैं। तो अब मैं यहाँ पर अभी इनका डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, क्या है केमिस्ट्री, कैसे केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन से साइंटिस्ट आए जो इसके डिस्कवरी के रूप में जाने जाते हैं, ये सब आपने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है। मैटर तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था कि पदार्थ क्या है और कितनी अवस्थाओं में होता है, तो जान पाए थे कि पदार्थ वह है जिसका अपना एक सर्टेन कंपोजिशन है यानी निश्चित संगठन है और स्थान घेरता है और उसका अपना निश्चित भार होता है और इसे फिजिकल स्टेट में 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था हम लोगों ने, क्लासिफाइड किया था सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इसको केमिकल क्लासिफाइड करते हैं सबस्टेंस को, यानी पदार्थ को रासायनिक रूप से कितने पार्ट में वर्गीकृत करते हैं, तो बच्चों 3 पार्ट में वर्गीकृत करते हैं यानी क्लासिफाइड करते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। यानी तत्व क्या है, यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है और फिर इसके अंतर्गत आने वाले इंटरनल क्लासिफिकेशन। तो आइए केमिकल क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करें इस चैप्टर को, क्योंकि बाकी की चीजें हमने जो आपसे रिव्यू ली हैं ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आप फिर रिपीट उस क्लास का ये पार्ट लेक्चर देख लीजिएगा ताकि और क्लियरिटी हो जाए। और फिर अभी स्टार्ट ले रहे हैं हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर से। तो बच्चों क्लासिफाइड करते हैं किसी पदार्थ को केमिकली 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज एलिमेंट, जिसे तत्व कहते हैं। सेकेंड पार्ट इज नोन एज कंपाउंड, जिसे यौगिक कहते हैं। एंड थर्ड पार्ट इज नोन एज मिक्सचर, इसे मिश्रण कहते हैं। तो ये तो 3 पार्ट हैं मेन रूप से जिन पर केमिकली क्लासिफाइड करते हैं किसी सबस्टेंस को, और फिर इंटरनली इन्हें क्लासिफाइड किया गया है एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में, मेटल जिसे धातु कहते हैं, नॉन मेटल्स इसे अधातु कहते हैं और मेटलाइट्स इसे उपधातु कहते हैं, और मेटलाइट्स को ही बच्चों सेमी मेटल्स भी कहते हैं। और इन्हीं से रिलेटेड वर्जन्स आपको मिलेगा जिसे एलॉय कहते हैं या मिश्र धातु कहते हैं। तो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन इतने पार्ट्स में किया गया है। तो आइए 1 by 1 इनको जान लेते हैं और इनके कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिनका स्टडी कर लेते हैं। सो बच्चों सबसे पहले डिस्कस करूंगा एलिमेंट क्या है, तत्व क्या है, और एग्जाम्पल लेते हैं मेटल्स का, लाइक एज अ आयरन, जो कि अपने डेली लाइफ में हम लोग देख पाते हैं, कॉपर है, आयरन,
सिल्वर, इस तरह के मेटल्स हैं जिनका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं एलिमेंट्स के लिए। बच्चों ये आयरन की रॉड है, लोहे की छड़ है, और इस पर अगर फिजिकल और केमिकल कंडीशंस अप्लाइड करें, सपोज दैट इसको हार्ड सनलाइट में रख दें या इसको हीट देना स्टार्ट करें, मैक्सिमम हीट दें, रेड हॉट कर दें, कुछ केमिकली सब्सटेंस इसके ऊपर गिरा दें लाइक एज अ एसिड, लाइक एज अ बेस, तो इसके बाद भी हम देख पाते हैं कि जो आयरन की रॉड है इसमें इसका नेचर चेंज नहीं होता है। मीन्स फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स इसको इफेक्टेड नहीं करते हैं, मीन्स चेंज करने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं। तो ऐसे एलिमेंट बेसिकली इस ग्रुप में आते हैं, यानी ऐसी जो धातुएं हैं, मेटल्स हैं, उनके लिए हम इन्हें एलिमेंट्स कहते हैं। तो इसी एग्जाम्पल से बच्चों इनको डिफाइन करें कि तत्व वह पदार्थ है जिसे भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा आगे सिंपल या सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता। एलिमेंट्स आर द सबस्टेंस दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सबस्टेंस आइदर बाय फिजिकल और केमिकल चेंजेस। और एग्जाम्पल लेते हैं तो लाइक एज एफी आयरन, कॉपर सीयू, जिसे बच्चों आयरन को कॉमन लैंग्वेज में लोहा कहते हैं, आयरन, और कॉपर है इसे तांबा कहते हैं, एंड सिल्वर एजी, और इसे चांदी कहते हैं। तो ये कुछ बेस्ट एग्जांपल्स हैं जो यहां एलिमेंट्स के रूप में जाने जाते हैं। और बच्चों पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट टाइम में, मॉडर्न टाइम में 118 एलिमेंट्स की प्रेजेंस है। मीन्स हमारी जो आवर्त सारणी है वह लगभग 118 तत्वों से मिलकर के बनी है। हाँ, उसमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो क्षणिक हैं, यानी उनकी उपस्थिति प्रकृति में स्थायी नहीं है, बट जो अवेलेबिलिटी है, काउंटिंग है, वो जेड वैल्यू 118 तक पाई जाती है। और बच्चों जितने भी एलिमेंट्स अभी तक इस होल अर्थ में डिस्कवर हुए हैं वेरियस कंट्रीज में, उन सभी तत्वों में से सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा मात्रा में धातुओं की उपस्थिति है। मीन्स मेटल्स के रूप में ये एलिमेंट्स इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा उपस्थित है। तो बच्चों अब कर लेते हैं इन एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन। जैसा हम लोगों ने चार्ट में देखा था कि मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलाइट्स में इनको क्लासिफाइड किया गया था। तो पहले मेटल्स का डिस्कशन करेंगे, उनके प्रॉपर्टीज, देन नॉन मेटल्स, और फिर मेटेलाइट्स। तो बच्चों डिस्कशन करते हैं एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन में फर्स्ट कैटेगरी का, और जिसे मेटल कहते हैं। तो बच्चों मेटल को कई पॉइंट्स में डिफाइन करेंगे, बेसिक पॉइंट्स लेते हैं और बहुत ही एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशंस आपको देते हैं मेटल्स की। फर्स्ट डेफिनेशन इज मेटल वे हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता होती है वे मेटल्स होते हैं। तो एक तरह से कह लें कि धातु वे हैं जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। और इसका जरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर सोडियम को क्लासिफाइड करें बच्चों 11 से, सो 281 KL और M, तो लास्ट ऑर्बिटल में वन इलेक्ट्रॉन है, और अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट लॉ जिसके अष्टक के आधे से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वे इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं। तो सोडियम अपना लास्ट का इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो बच्चों ये आयन का फॉर्मेशन करेगा और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो इसलिए इसे मेटल कहेंगे, धातु कहेंगे। और सेकेंड डेफिनेशन यहां से जनरेट होती है कि धातु वे हैं जो धनायन बनाते हैं। धातु वे हैं जो धनायन मीन्स कैटायन बनाते हैं।
तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स ले लें मैं, जो कैटायन फॉर्म में प्रेजेंस रखते हैं और इसी तरह के रिएक्शंस केसेस करते हैं। पोटेशियम का एग्जांपल लें, लाइक एज अ के प्लस, लाइक एज अ Mg2 प्लस एंड Al3 प्लस। बच्चों ये सब इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने के आधार पर ही सिंगल प्लस, डबल प्लस एंड ट्रिपल प्लस आयन बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। प्लस चार्ज वाले हैं इसलिए इन्हें कैटायन कहते हैं। सो वी सेज दैट एंड एलिमेंट्स हु रिमूव इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज मेटल्स, एंड आल्सो वी सेज दैट एन एलिमेंट हु हैव द कैपेसिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन आर नोन एज मेटल्स। और प्रॉपर्टीज के आधार पर इनको डिफाइन करें बच्चों, तो मेटल वे है जो बेसिकली सामान्य स्टेट में रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। सामान्यतया बच्चों ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जनरली दे आर सॉलिड्स। इस वजह से इनका जो डेंसिटी स्टैंडर्ड है बहुत हाई होता है, यानी मेटल्स का डेंसिटी बहुत हाई होता है, उच्च होता है। और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो भी हाई होते हैं, यानी धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज मोर देन प्रैक्टिकली, आप देख लीजिए कोई भी पुराना से पुराना मेटल पड़ा हो, वो आयरन हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, कॉपर हो, और उस पर जब आप किसी शार्प पार्ट से खुरच देते हैं तो देख पाते हैं कि उसका इनिशियल पार्ट स्पेशल साइन वाला होता है, विशेष चमक वाला होता है, यानी वो न्यू मेटल जैसा चमकता है। तो धातुएं वे हैं बच्चों जो विशेष धातुक चमक वाली होती हैं। सो मेटल्स हु हैव अ स्पेशल मेटेलिक साइन आर नोन एज मेटल्स। और इसी तरह से बच्चों और भी इनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। जैसे धातु वो हैं जो गिराने या पीटने पर आवाज उत्पन्न करते हैं। किसी मेटेलिक पार्ट में अगर अदर सब्सटेंस से आप हिट करें तो देखते हैं कि मेटल की साउंड सुनाई देती है, उसकी आवाज सुनाई देती है। तो मेटल्स वे भी हैं जो गिराने या पीटने पर आवाज उत्पन्न करते हैं। तो ये सारी जानकारियां थी बच्चों मेटल्स के लिए, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेटल के हम लोग यहाँ ले सकते हैं, जैसे आयरन है, जैसे कॉपर है, जैसे सिल्वर है, गोल्ड AU एंड एल्यूमिनियम एंड सम अदर मेटल्स। तो ये मेटल्स तो ऐसे हैं बच्चों जिन्हें हम प्रैक्टिकली भी जानते हैं या देख पाते हैं। और इसके अलावा अगर आप पीरियोडिक टेबल में चलें तो बेसिकली एल्केलाइन मेटल्स और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं जिनका स्टडी हम लोग करते हैं। उनका कुछ वर्जन्स मैं यहाँ दे दूँ। फर्स्ट ए ग्रुप में आते हैं आपके एल्केलाइन मेटल्स, उसमें से आने वाले जो मेटल्स हैं उसमें सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये मेटल्स आते हैं। जबकि सेकेंड ए ग्रुप में जाएंगे सो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम, इनकी अवेलेबिलिटी है। तो ये बच्चों ऐसे भी मेटल्स हैं जो प्रेजेंस रखते हैं, बिकॉज यस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल का फुल्ली मेटल होता है। अब चलते हैं जान लेते हैं कि नॉन मेटल्स क्या हैं, मींस अधातु क्या हैं। तो जान लेते हैं अधातु क्या होते हैं नॉन मेटल्स। सो सिंपली वी सेज दैट दे आर अपोजिट ऑफ मेटल्स, दे हैव क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज द अपोजिट ऑफ मेटल्स, यानी धातुओं से जस्ट अपोजिट इनके लक्षण होते हैं। तो अगर डिफाइन करें तो फर्स्ट पॉइंट एज अ कंपेयर एन एलिमेंट हु हैव द कैपेसिटी फॉर द एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये ऐसे तत्व हैं अधातु वे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है, ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है। अब एग्जांपल ले लेते हैं जरा इसके, सपोज दैट क्लोरीन का एग्जांपल है, Cl17 कॉन्फिगरेट करें 2, 8 एंड 7।
एल और एम, देख पाते हैं कि लास्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होगा यहाँ, और देन Cl 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl माइनस आयन का फॉर्मेशन करेगा, यानी एनायन का फॉर्मेशन करेगा। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स ले लें, सपोज दैट ऑक्सीजन का एग्जांपल लें, सो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 8 के लिए होगा 2n6, और k और l लास्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टिंग हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स टेक करके ऑक्सीजन 2- आयन बनाएगा। इसी तरह से नाइट्रोजन के एग्जांपल लें, 7 कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 5 के और एल में, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है, और इस तरह से बच्चों नाइट्रोजन ट्रिपल माइनस एनायन का फॉर्मेशन करता है। तो ये सब बच्चों आपके नॉन मेटल्स हैं, मीन्स इनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी होती है। सो वी सेज दैट द एलिमेंट विच इजिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स एनायंस आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। और बच्चों एनायंस के एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए यहां पर सी एल माइनस, ओ डबल माइनस एंड ट्रिपल माइनस, और इसी तरह से आपके बहुत सारे नॉन मेटल्स की अवेलेबिलिटी है। बच्चों पी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल का ऐसा ग्रुप है जहां पर हमें तीनों तरह के ही एलिमेंट्स के क्लासिफाइड ग्रुप मिल जाते हैं, मीन्स मेटल भी मिल जाएंगे और नॉन मेटल की भी प्रेजेंस है, और जबकि मेटेलाइट्स भी पाए जाते हैं। तो अगर हम सेवेंथ ए ग्रुप के एग्जांपल्स लें, जिन्हें हेलोजन एलिमेंट्स के रूप में जानते हैं, तो इसके अंतर्गत आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे एलिमेंट हैं जो नॉन मेटल के रूप में प्रेजेंस रखते हैं, और ये सभी सिंगल इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर हैं अपने लास्ट ऑर्बिटल में, और एनायन बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, जैसे सी एल माइनस, उसी तरह से एफ माइनस, बी आर माइनस एंड आई माइनस, ऑल आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल। और कुछ और एग्जाम्पल्स सहित इनके प्रॉपर्टीज जानते हैं, जैसे कि इनके जो हाइड्राइड्स हैं वो वॉलेटाइल होते हैं, मीन्स ये वाष्पशील होते हैं, एंड इनके जो ऑक्साइड्स हैं बच्चों वो सामान्यतः एसिडिक होते हैं और या तो फिर न्यूट्रल होते हैं। देयर ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक और न्यूट्रल। इनमें विशेष चमक नहीं पाई जाती है, मीन्स दे हैव नॉट अ स्पेशल साइन। एंड इलेक्ट्रिकल नेचर में जाएं तो जैसे मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, वैसे ये नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, मीन्स इंसुलेटर है, विद्युत के कुचालक होते हैं, सो इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स का कंपेयर करें तो मेटल्स की तुलना में ये लो होते हैं, कम होते हैं, और इस वजह से इनकी डेंसिटी भी मेटल्स की कंपेयर करने पर कम होती है। तो बच्चों ये आपके बेस्ट प्रॉपर्टीज थे जो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट करते हैं मेटल और नॉन मेटल्स को। तो जैसे पॉइंट्स मैंने यहाँ लिए हैं, अगर कभी क्वेश्चंस में आपसे पुटअप हो कि गिव राइज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स, तो आप ये पॉइंट्स लेकर के इनको डिफाइन कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। और एग्जांपल्स लें, देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। और एक लास्ट पॉइंट का बच्चों कंपेयर करा दूं कि जैसे मेटल्स में कैपेसिटी है कि कभी भी एसिड से रिएक्ट करें, और स्पेशली आपके जो ईसीएस के मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस रखते हैं, अगर वे रिएक्ट करें तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। सपोज दैट सोडियम मेटल का रिएक्ट कराएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, HCl से, तो ये NaCl साल्ट प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा H2, देन इसे बैलेंस करेंगे। और अगर यही हम एग्जांपल लें नॉन मेटल का, क्लोरीन का एग्जांपल ले लें और उसका रिएक्ट कराएं HCl से, तो यहां से हाइड्रोजन का रिलीज नहीं होगा, मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। तो मेटल तो एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को पास आउट करते हैं, रिलीज करते हैं,
बट नॉन मेटल्स के लिए ये कंडीशन अप्लाइड नहीं है। ये भी आपका एक बेस्ट पॉइंट है या कंपैरिजन पॉइंट। और अब बच्चों डिस्कशन कर लेते हैं लास्ट कैटेगरी का, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन का, जिसे उपधातु या मेटलाइट्स कहते हैं, इसे सेमी मेटल्स भी कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू देयर नेम हम समझ पाते हैं कि ये वे हैं, ऐसे तत्व हैं जिनमें कुछ लक्षण मेटल्स की भांति यानी धातुओं की तरह और कुछ नॉन मेटल्स की भांति यानी अधातुओं की तरह उपस्थित होते हैं, तब ऐसे सबस्टेंस उपधातु कहलाते हैं। कुछ तत्वों के गुण धातु और अधातु के गुणों के मध्य में होते हैं, अर्थात कुछ लक्षण धातुओं से और कुछ अधातुओं से मिलते जुलते हैं, तब इन्हें उपधातु कहते हैं। सम एलिमेंट्स आर आल्सो नोन विच बिहेव लाइक अ मेटल एंड नॉन मेटल प्रॉपर्टीज, देन दे आर कॉल्ड मेटलाइट्स। और बच्चों अगर इनके एग्जांपल्स लें तो आपके बेस्ट मेटलाइट्स में आते हैं सिलिकॉन SI, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमन। ये पी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले एलिमेंट्स हैं। जैसा मैंने कहा आपको कि पीरियोडिक टेबल का पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जहां हमें मेटल्स भी मिलते हैं, नॉन मेटल्स भी मिलते हैं और मेटलाइट्स भी मिलते हैं। तो ये आपके सभी मेटलाइट्स पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। सो दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेमी मेटल्स। और बच्चों इस क्लासिफिकेशन से एक स्पेशल साइड नोट्स के रूप में पढ़ लेते हैं हम लोग कि मिश्र धातु क्या है, एलॉय क्या है। और बहुत सिंपली हम इन्हें डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप के जो मेटल्स हैं उनका मिक्सचर एलॉय कहलाता है, यानी ऐसे सबस्टेंस जो दो या दो से ज्यादा धातुओं से मिलकर के बनाए जाते हों उनको मिश्र धातु के रूप में जानते हैं। एंड एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल मेटल टू आर मोर देन दे आर कॉल्ड एलॉय। फॉर एग्जाम्पल ने देन ब्रास एंड स्टील इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एलॉयज। और इसी तरह से बच्चों कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे जर्मन सिल्वर, रोल्ड गोल्ड और फास्फर ब्रांच भी मिश्र धातुओं के एग्जाम्पल्स हैं। और फास्फर ब्रांच का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि जो रेडियोस के एरियल हैं या टेलीविजन के इनिशियल पार्ट्स हैं उनमें बेसिकली फास्फर ब्रांच का यूज होता है, जो कि एक प्रकार का एलॉय होता है।